गंग धारा उस धार का आलम क्या होगा, जिन जुल्फों से निकली गंग धारा उन जुल्फों का आलम क्या होगा। बिल्कुल गलत। अरे आप तो अंत में पहुंच गए, जहां से ये गंगा निकली है सबसे पहले वहां पहुंचते जब तुम्हारा गीत सही होता। लेकिन सबसे पहले गंगा कहां से निकली है? विष्णु चरण से निकल के गंगा। क्या बात है गुरुदेव। विष्णु चरण से निकल के गंगा जब ब्रह्म कमंडल आई है। विष्णु चरण से निकल के श्री गंगा जब ब्रह्म के कमंडल में आई है। क्यों? जब ब्रह्म कमंडल से निकल के गंगा शिव की जटन में धाई है। ब्रह्म कमंडल से निकल के गंगा पर शिव की जटन में धाई। सबसे पहली जो गंगा की धार निकली वो विष्णु चरण से निकली और उसके बाद ब्रह्म कमंडल में आई और ब्रह्म कमंडल के बाद शिव की जटाओं में धाई। के ब्रह्म कमंडल से निकल के गंगा शिव की जटा में धाई है। और बात हकीकत तो, अरे ब्रह्म कमंडल से निकल के गंगा शिव की जटा में धाई है। और शिव की जटा से निकल के गंगा जब पृथ्वी पे आई है। शिव की जटा से निकल के गंगा और जब पृथ्वी पे आई है। क्यों? अरे तेरा लेख है बिल्कुल झूठा। अरे तेरा लेख है बिल्कुल झूठा तेरे सभी माजने झाड़ दे। तेरा लेख है बिल्कुल झूठा तेरे सभी माजने झाड़ दे। और सच्चाई कहूंगा, अरे तेरा लेख है बिल्कुल झूठा और सभी माजने झाड़ दे। और 60,000 सगर के बेटा गंगा जी ने तार दे। 60,000 सगर के बेटा गंगा जी ने तार दे। 60,000 सगर के बेटा गंगा जी ने तार दे। चाचा कह रहे थे जिन जुल्फों से निकली गंगा उस धार का आलम क्या होगा। घर धार का ऐसा आलम है तो कर तार का आलम क्या होगा। पर मैं क्या कह रहा हूं, बल और बाली वीर अच्छे चरण धीर दुनिया को देख झक जोड़ के चले गए। दुनिया को देख झक जोड़ के चले गए। दुनिया को देख झक जोड़ के चले गए। अभिमन्यु जैसे वीर जिनके करारे तीर वो भी वीर चक्र व्यूह तोड़ के चले गए। वो भी वीर चक्र व्यूह तोड़ के चले गए। वो भी वीर चक्र व्यूह तोड़ के चले गए। और द्रोण गुरु भी संपिता में सल करण और वो भी तो सुखी चादर ओढ़ के चले गए। तोड़ गुरु भी संपिता मां में सल करण वो भी तो सुखी चादर ओढ़ के चले गए। और नौबतवा सा, अरे वो भी तो सुखी चादर ओढ़ के चले गए। तुम्हारी तो जात पात और औकात क्या है, रावण से दुनिया को छोड़ के चले गए। रावण से दुनिया को छोड़ के चले गए। रावण से दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन मेरा कहना क्या है? हाँ हाँ जी मासा,
नहीं आते हैं, पर सबके कष्ट मिटाते हैं। लेकिन निराकार का ऐसा आलम है कि निराकार का जब ऐसा आलम है, ये कह रहे थे जब धार का ऐसा आलम है तो करतार का आलम क्या होगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, निराकार का ऐसा आलम है, निराकार का ऐसा आलम है तो साकार का आलम क्या होगा। निराकार का ऐसा आलम है, और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे साज वालों के लिए। ओमी चाचा, ये अशोक शर्मा कान से और मेरी जान पूरी रात मेहनत करवा के मानता है तुम पर। ये गौतम जी 51 रुपए का आशीर्वाद बड़े भाई जितेंद्र भैया जी की तरफ से आया है, बार बार आशीर्वाद की कामना करते हैं। अब कहना है रावण ने पैर बढ़ाया है के रावण ने पैर बढ़ाया है या प्रभु धाम को पाया था। रावण ने पैर बढ़ाया है प्रभु धाम को पाया था, क्योंकि कह दिया है, कह दिया उस रावण ने। क्या बात है शर्मा जी, कि एक भाई से तो लिखी दुश्मनी और एक भाई को तुम्हारी शरण लिख दिया, यानी कि मुझसे तो बैर और विभीषण से प्यार, ऐसा क्यों किया भगवान। के रावण ने पैर बढ़ाया है या प्रभु धाम को पाया है। रावण ने पैर बढ़ाया है जो प्रभु धाम को पाया है। जो के रावण से पैर बढ़ाया है, रावण से पैर बढ़ाया है या फिर प्रभु धाम को है। और अध्यक्ष जी, जब पैर का ऐसा आलम है तुम्हारे इस पैर की खातिर जो मैंने तुमसे पैर किया, और वो पैर कैसा था उस रावण को पता था। जिस समय पर धनुष यज्ञ हो रहा था, सीता स्वयंवर हो रहा था, तो रावण ने प्रभु राम से कह दिया कि हे अवध बिहारी, रावण ने स्वयं प्रभु राम से कह दिया था कि दाहिनी भ्रुकुटी पर तो प्रभु उस सीता का हरण लिखा और वाहिनी भ्रुकुटी पर प्रभु इस रावण का मरण लिखा। तो रावण कह रहा है के मरकर तुम्हारे हाथ से और मेरी सफल युक्ति हो गई और मेरा परिवार पहले तर गया, अब मेरी भी मुक्ति हो गई। के परिवार पहले तर गया, अब मेरी भी मुक्ति हो गई। अगर पैर ऐसा है तो ऐसा ही अच्छा है, जब किसी की बैर से मुक्ति हो जाए तो वो बैर अच्छा है। जब बैर का ऐसा आलम है,
जब बेर का ऐसा आलम है तो फिर प्यार का आलम क्या होगा। जब बेर का ऐसा आलम है के जब बेर का ऐसा आलम है तो फिर प्यार का आलम क्या होगा। और प्रभु निराकार का ऐसा आलम है तो साकार का आलम क्या होगा। प्रभु बेर का ऐसा आलम है तो प्यार का आलम क्या होगा। देखिए